जाने कि मैं घर पे हूं या नहीं हूं, बिना जाने बोल दिया कि इतना घमंड भी ठीक नहीं है अंदर ना, रत्ती भर भी घमंड नहीं है। किस क्या सोच के क्या देख के आपने ये बोल दिया कि कितना घमंड दिखा रही है, जब मैं घर पे हूं नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा किसका कॉल आ रहा है। सारे यूट्यूबर्स की ख्वाहिश होगी कि हमारे पास भी काश माइक हो। ये कुछ इस तरीके से बोया का माइक है, पता नहीं इसमें क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में ना कैंपिंग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फ्रेंड कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। अभी मैं 12 बजे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, थोड़ा काम वाम करा था तो ऐसे लेट हो गए थे। ऐसी गोलियां खानी पड़ती हैं, कभी एक कभी तीन। ये बाद में पी ली। फ्रेंड कल क्या हुआ था, किसी सब्सक्राइबर का कॉल आता है मेरे भाई के नंबर पे और उन्हें लगा था कि मेरे पति बोल रहे हैं, तो एकदम से मतलब 2-3 बार कॉल कर चुकी होंगी वो। मैं उस टाइम दर्शन करने गई हुई थी बालाजी, तो उन्हें लग रहा था कि वो जानबूझ के बात नहीं करा रहा है। सच तो ये है कि वो कभी बताते नहीं है किसका कॉल आ रहा है क्या आ रहा है, कभी मुझे नहीं बताता। अब अपना फोन तक मुझे छूने नहीं देता। तो वो कह रही थी, मेरा भाई बात कर रहा था बड़ा वाला, तो कह रही थी कि आप उसके भाई बात नहीं कर रहे, उसके पति बात कर रहे, तुम इतने बड़े हो गए कि बात भी नहीं करा तुमने रहे। बिना जाने कि मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ, बिना जाने बोल दिया कि इतना घमंड भी ठीक नहीं है। मैंने कब कब मैं अब घमंड करूंगी, तो मैंने कब घमंड किया बताओ। मेरे अंदर ना रत्ती भर भी घमंड नहीं है। जो आप लोग, आपने ये घमंड वाली बात बोली थी ना, ये बहुत गलत बुरा लगा मुझे को। किस क्या सोच के क्या देख के आपने ये बोल दिया कि कितना घमंड दिखा रही है, जब मैं घर पे हूं नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। जो आप सोच रहे हो ना मेरा नंबर है, वो मेरा नंबर नहीं है, वो मेरे भाई का पुराना नंबर है, जो कि पहले बंद कर रखा था कुछ समय पहले, अभी चालू किया है वो। आप कह रही हो कि घमंड आ गया। जिन लोगों में घमंड होता है उन लोगों से बोल के देखिए घमंड क्या चीज है। जब भी किसी का कॉल आता है मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ। जब आदमी को पता ही नहीं चल रहा किसका कॉल आ रहा है, कब कट रहा है, कब चल रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे बात कर लूँ बताओ। तो ऐसा तो बोलो मत कि घमंड ये है, मैं किसका घमंड करूंगी, मेरे पास है ही क्या घमंड करने के लिए। सच्चाई जाने बिना किसी पे भड़कना अच्छी बात नहीं है ना, सही नहीं है। पहले आप समझ लेती सच में शायद नहीं हो सकती, इसलिए बोल रहा होगा। और भी आपके सिवा और भी कॉल आते हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे, मैं सबसे बात करी है मैंने। हमारे कुछ कोरियर्स गिफ्ट्स आए हुए हैं, उनको अनबॉक्स करते हैं फ्रेंड। कई सारे गिफ्ट्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ साथ में। आप भी आ रहे हैं जी, हैप्पी है तू? हैप्पी हूँ, हमें तो हम अपनी वीडियो में ले रही हैं। ये फर्स्ट मेरा, इस साइड इसमें स्लीपिंग बैग है और इसकी कुछ इस तरीके से पैकिंग है, बहुत बढ़िया क्वालिटी लग रही है इसकी। स्लीपिंग बैग नहीं है, इसमें कैंपिंग बैग। सॉरी, इसको साइड में रखते हैं गाइस, पहले बाकी का सामान दिखाते हैं और दिखाएंगे। पहले आप लोगों को सारा सामान दिखा देते हैं क्या क्या है इसमें। ये मेरा माइक है बोया का, जो की काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी, उस साइड में कर देते हैं। ये ना बहुत सारे यूट्यूबर्स की ख्वाहिश होगी कि हमारे पास भी काश माइक हो, क्योंकि वीडियो जब बनाते हैं और इतना ज्यादा नॉइज आता है बैकग्राउंड में, भाई वीडियो एडिटिंग में बड़ी परेशानी होती है। ऐसा लगता है पूरी मेहनत पर पानी फिर गया जब वीडियो खराब हो जाती है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बोया का माइक है और इसकी सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है। अब वैसे तो हमारा सी टाइप का मोबाइल का जो पिन है सी टाइप है, और इसका केवल ये आया था, तो हमने ये थोड़ा सा प्लग ला के सी टाइप में कर लिया है, इससे हमारा काम हो जाता है। और सबसे बढ़िया कि ये ना कैमरे के अंदर भी वर्क कर सकता है फ्रेंड। जो कैमरे आते हैं, वैसे तो हम मोबाइल के लिए मंगाया ही है, अपने मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं, और इसको कैमरे में भी यूज कर सकते हैं। ये कैमरे का प्लग है, मोबाइल में चाहे मोबाइल में कर सकते हैं, कैमरे में कर सकते हैं। कुछ गारंटी कार्ड है, मुझे ये माइक सबसे बेस्ट लगा, इसकी आवाज क्वालिटी तो इतनी अच्छी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी माइक से शूट करूंगा, फिलहाल तो आप बगैर माइक के सुन पा रहे मेरी आवाज को। ये अभी नया है तो शायद जूता भी मैंने यूज किया है। और ये देखिए, इसका छोटा सा एक पॉकेट दिया है बोया, बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये छोटी छोटी चीजें। और सेकंड हमारा ये, इसको देखते हैं इसमें क्या है। कोई
पता नहीं इसमें क्या है, देखते हैं अंदर। गलत चल रहा है इसका। ये सोच रहे होंगे कि बल्ब तो सबके घर में होते हैं, क्यों मंगाया? ये स्पेशल है, ये देखिए, ये कैंपिंग वाले बल्ब है। जे वाले पे दबा। ये इसका फास्ट है भी, ये चार्ज नहीं है, चार्ज होगा तो इसका जो ये जो लाइट है ना, बीच में टांग लो एकदम मस्त रहे। ये सबसे ज्यादा तेज है, इससे कम तेज, सबसे कम तेज अभी ये बंद हो गया। मेन चीज इसका हुक दिया गया है, इसको ऐसे करके और कैंपिंग में आराम से टांग सकते हैं। इससे ना कैंपिंग में इसकी इससे ना शो बढ़ जाती है, बहुत सुंदर व्यू आता है इससे। ये वाले जो बल्ब होते हैं, तो ये इसका चार्जिंग का दिया था, चार्ज कर सकते हैं, चार्ज वाला ये। इसको खोलते हैं, इसमें क्या है, कहीं से भी खोल लूं? इसमें पैकिंग वैकिंग एकदम बहुत बढ़िया से करी है फ्रेंड, कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग दी है, बैग दिया है अच्छा सा, बड़ा प्यारा लग रहा है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। बर्तन के सेट, बर्तन का ही सेट है, और ये देखिए हम लोगों के लिए, जैसे कि हमारा ज्यादा क्या होता है कि कैंपिंग के लिए ना हमें बहुत ज्यादा हैवी सामान हो जाता है, इतने परेशान होते थे, चढ़ना पड़ता है ऊपर से, फिर उतरो, फिर समेटो, बैग में भी नहीं आता था सामान। अभी क्या, ये देखिए कितना बढ़िया दिया गया ना पकड़। अगर इसको कुछ बनाना हो, खोलना हो तो ऐसे कर सकते हैं, अगर बैग वैग में रखना हो तो इस तरीके से इसका हैंडल को बंद करके आराम से रख सकते हैं। ढक्कन है, इसको भी कवर कर सकता है, प्लस में फ्राई पैन को भी। और ये तीन कटोरी है प्लास्टिक की, काफी हार्ड प्लास्टिक है इसकी। और ये देखिए, ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी चाय वाली केतली कैंपिंग। गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में ना कैंपिंग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, हमने कुछ नया सोच रखा है, आपको तभी पता पड़ेगा, पहले से तो नहीं बता रहे, बताई हुई चीजें कभी पूरी नहीं होती। ये देख सकते हैं बड़ा मस्त लग रहा है, बढ़िया है ना। मुझे ये चीजें बहुत मस्त लगी, इसमें क्या है कि आराम से इनको बैग में कवर कर सकते हैं एक ही साथ ऐसे करके। नेक्स्ट कोरियर हमारा ये डब्बे, इसमें कुछ सारा निकाल दो, यहाँ से ज्यादा निकाल लो एक साथ, और कम बम निकालना हो तो इधर से जाली वाला ये, यानी दोनों साइड से खुलता है, इधर से भी और इधर से भी, एक साइड। और सबसे मेन चीज, बढ़िया चीज इसमें ना अंदर स्टैंड भी है इन डब्बों का, ही आठ डब्बे हैं, और एक प्यारा सा स्टैंड दिया, इसको भी साइड में रखता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट कोरियर हमारा ये, और इसमें मालूम नहीं क्या है, इसमें मुझे तो कुछ बड़ा सा ही लग रहा है। इनकी जो पैकिंग है ना इतनी ज्यादा हार्ड होती है, इसके ऊपर से और भी बॉक्स से, वो मैंने पहले ही हटा दी है। फिलहाल देखते हैं इसमें पकड़ियो, वाओ डाइनिंग टेबल, मैं बताऊँ ये क्या है। जैसे कैंपिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते थे कि आग पर खाना बनाते थे, इतनी ज्यादा रात हो जाती थी, जानवर आने का भी डर रहता था, भाई खाना बनाना तो पड़ेगा ही, गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। तो अभी क्या करेंगे, ये टेबल इसको खोलो इस तरीके से, और हमारे पास ना छोटे छोटे गैस चूल्हे स्टोव है, और इतना सा गैस सिलेंडर है, इसमें गैस सिलेंडर रखते हैं, यहाँ पे स्टोव रखो, और अपना ऐसे करके कैंपिंग के अंदर ही आराम से बना लो, ना कोई जानवर का डर, ना किसी बारिश का डर, आराम से अपना अच्छे से बना सकते हैं कैंपिंग के अंदर बैठ के। ये बैग में भी आसानी से आ जाए, क्योंकि हमारे पास 75 लीटर का बैग है कैंपिंग का ही, तो ये ऐसे करके फोल्ड करके और आराम से उसके अंदर आ जाए, बढ़िया है ना। एक और आती है जहां से बीच में से वो फोल्ड हो जाती है, ऐसे डबल हो जाती है, पर वो ये वाली भी ठीक है उसमें। शांत रहना, वीडियो आनंद है। तो गाइस यहाँ पे स्टॉप वगैरह रखे और ऐसे करके आराम से बैठ के कैंपिंग के अंदर ही अपना कुछ बना सकते हैं खाने पीने के लिए, बढ़िया है ना। और कैंपिंग दिखाऊं आप लोगों को, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन कैंपिंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आज तक मैं ऐसी कैंपिंग कभी ना वीडियो बनाया,
और नहीं हम ऐसी कैंपिंग में कभी सोए, एकदम बढ़िया कैंपिंग है। तो गाइस कैंपिंग वगैरह तो नहीं दिखा रहे, वो तो आपको वीडियो में ही देखने मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो जो कैंपिंग की करेंगे। और सबसे बेस्ट मुझे ये माइक लगा, इसकी जो केबल है ना काफी लंबी है, दूर तक दो लोग आराम से व्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं, कैमरा थोड़ा दूर रखना होता है, तो वहां से ना क्या होता है दूर से ना आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाती नॉर्मल कैमरे में, इससे आसानी से हमारी आवाज रिकॉर्ड हो सकती है कहीं भी बैठ के। फ्रेंड नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाने भूल गई थी, पर मुझे ना ये कुछ खास नहीं लगी, फिर भी सौरभ को तो अच्छी लगी, पर मेरे समझ से बाहर है ये, क्योंकि इस पे केवल एक ही आदमी सो सकता है। ये देखिए ये ना बैग में आसानी से आ सकते हैं, इनमें ज्यादा मतलब वो नहीं है, फैलाना वाला सामान नहीं है। ऐसे करके कैंपिंग में ना खोलो आराम से, और ये ओरिजिनल है। अरे काम बोले इस तरीके से आराम से एक बंदा सो सकता है। इसमें सोने के बाद बिल्कुल भी ऐसे जमीन का एहसास नहीं हो रहा, काफी गद्दा है इसमें, और ये मतलब पहाड़ों के मतलब की है। और कैंपिंग आप लोगों को खोल के अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो काफी बड़ा है, 4 पर्सन का कैंपिंग है, और स्टैंड वगैरह काफी हैवी दिया गया उसमें, तो हम कल से 3 बार खोल चुके हैं उसे, और यही खोल खोल के देखेंगे तो यही टूट जाएगा, वहां तक तो पहुंचेगा भी नहीं, तो वो तो आपको कैंपिंग वीडियो में ही देखने को मिलेगा अच्छे से, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। अच्छा लगा मुझे, पर एक दो चीज मुझे कुछ ज्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड आप कमेंट करके बताना आपको इनमें से कौन सा सामान अच्छा लगा, क्या आपके कुछ काम की, आपके टांग लो, बहुत ही कम वजन है, आराम से जा सकता है। फ्रेंड सामान तो अनबॉक्स हो गया, मैंने आपको एक एक करके सारा सामान दिखा दिया, अभी हम खाना खा लेते हैं, दवा हुआ मैंने खा ली थी। मैंने ये आज लौकी की सब्जी बनाई थी, हमारे यहाँ दाल दलती है लौकी में, उससे क्या बढ़िया टेस्ट आ जाता है, मसूर की दाल दली हुई थी इसमें थोड़ी सी। मैं खा लेती हूँ फ्रेंड, अब मैं बाहर का कुछ भी नहीं खा रही हूँ बिल्कुल भी, अब जो भी खाना घर पे बनता है खा लेती हूँ, बर्गर वगैरह तो बिल्कुल छोड़ रखे हैं, पहले खा लेती थी, और पिज्जा तो आज तक नहीं खाया, आज तक कैसा होता है, फिर भी पता नहीं क्या क्या बीमारी लग गई। लौकी की सब्जी और 2 रोटी। खाना आज मैं अपनी टेबल पे ही बैठ के खाऊंगी, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, कैंपिंग करने से पहले यहीं पे इसको यूज कर लेती। फ्रेंड खाना वाला तो हम खा चुके, सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। एक कल हमारी तारीख है, तारीख करने के बाद हम लोग चले आएंगे वापस उत्तराखंड में, और अब की बार बहुत नया करने वाले हम लोग, इसीलिए सारा सामान आया है, इतने दिनों से इसीलिए रुके पड़े थे क्योंकि तारीख हो ही नहीं रही थी। फ्रेंड तारीख नहीं हो रही थी होली से, और अब 8 तारीख की तारीख पड़े, कल 8 तारीख की तारीख करके तब हम लोग जाएंगे। फ्रेंड वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।